विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल के हारने वाले बीजेपी और कांग्रेस के एक दर्जन से ज्यादा नेताओं की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। विधानसभा में हारने के बाद ये दिग्गज नेता अब लोकसभा का टिकट पाने का जुगाड़ करेंगे। देखिए ग्वालियर से हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में अब महज 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के दावेदार लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी में जुट गए हैं। खास बात यह है कि विधानसभा में हारने वाले कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों की नजर लोकसभा टिकट पर टिकी हुई है। ग्वालियर चंबल में लोकसभा की 4 सीटों पर जिन दिग्गजों की नजरें हैं, उनमें ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के लाखन सिंह यादव, प्रवीण पाठक और बीजेपी से भरत सिंह कुशवाहा, माया सिंह और नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर गोविंद सिंह और बैजनाथ कुशवाहा तो बीजेपी के अरविंद भदौरिया, भरत सिंह कुशवाहा और गिरिराज दंदोटिया की नजर है। बात करें गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की तो वहां से कांग्रेस के पी सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह, दिग्गी राजा तो बीजेपी के नरोत्तम शाह और महेंद्र सिंह सिसोदिया की नजर है। वहीं भिंड दतिया लोकसभा सीट से बीजेपी के लाल सिंह आर्य, इमरती देवी और घनश्याम परोनिया तो कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव और पंकज कनेरिया शामिल हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर हारने वाले बीजेपी के 8 पूर्व मंत्री और 2 पूर्व विधायक लोकसभा चुनाव की टिकट की दौड़ में नजर आएंगे। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं को दावेदारी का हक है, टिकट का फैसला करना पार्टी का काम है। लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत लोकप्रिय नेता हैं, भारत सिंह जी भी लोकप्रिय नेता हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी लोकप्रिय नेता हैं, सब मंत्री भी रहे हैं और उनका अपना जनाधार भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना, उनके समर्थकों की भावना अलग विषय रखती है। पार्टी में उनकी भूमिका क्या होना चाहिए ये पार्टी संगठन तय करेगा। वहीं ग्वालियर चंबल में हारने वाले कांग्रेस के 10 बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदार के तौर पर नजर आने वाले हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर नेता कार्यकर्ता टिकट की उम्मीद रखता है, हम लोकसभा के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें टिकट मांगने का अधिकार तो प्रत्येक कार्यकर्ता रखता है। रही बात लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बार दमदार और जिताऊ प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज इस बार टिकट के लिए जोर आजमाइश करेंगे, तो वहीं पुराने और नए चेहरे भी टिकट के लिए अपनी दावेदारी मैदान में पेश करेंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियों में टिकटों की ये दौड़ दिलचस्प होने वाली है। सुशील कौशिक, News 18 ग्वालियर। और एक्शन में पूरी तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। संभागों में अब ACS जाएंगे। जी हां, संभागों का जिलों का दौरा करना होगा, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे ACS, योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे ACS। ACS से सीधी रिपोर्ट अब सीएम लेंगे। बता दें अपर मुख्य सचिवों की ड्यूटी संभागीय मुख्यालयों पर योजनाओं और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए लगाई गई है। 2 महीने में कम से कम एक बार संभाग स्तर पर जिलों का भ्रमण कर और हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकास कार्यों की समीक्षा करने का दायित्व दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। यहां पर कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई है। बता दें आज भी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। 11 बजे कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित विधायकों की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ के विभाग के अध्यक्ष की बैठक होगी। खास ये बैठक मानी जा सकती है। लगातार बैठकों का दौर जो है कांग्रेस में चल रहा है, मंथन तो हार पर किया ही जा रहा है और आखिर 24 की किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे बढ़ना है, सभी पहलुओं पर चर्चा जो है कांग्रेस में जारी है। आज फिर से बैठक होगी, संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक बेहद खास ये मानी जा सकती है। टिकट से वंचित विधायकों की बैठक भी होगी, मोर्चा संगठन की बैठक होगी, तो प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्ष की ये बैठक बेहद खास मानी जा सकती है।
कांग्रेस ने अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। जी हां, मध्य प्रदेश से विधायक ओमकार मरकाम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से टीएस सहदेव का नाम शामिल किया गया है। पी चिदंबरम को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। प्रियंका गांधी, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, इमरान प्रतापगढ़ी समेत कमेटी में कुल 16 मेंबर बनाए गए हैं। तो ये कमेटी बनाई गई है और कमेटी में दिग्गजों के नाम जो है शामिल किए गए हैं। 2024 के लिए कांग्रेस की अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। समय ज्यादा बचा नहीं है और तैयारियों में जुटना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस की इतनी करारी हार अलग अलग राज्यों में हुई है, उसके बाद आखिर किस तरह की रणनीति के साथ अब कांग्रेस चलती है, किस तरह आगे बढ़ती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल बैठकें चल रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं दिग्गजों को सौंपी जा रही है 2024 के लिए। यहीं आपको बताएं कि मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई है और मध्य प्रदेश से विधायक ओमकार मरकाम शामिल किए गए हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ से टीएस सहदेव का नाम शामिल किया गया है। बात अब जगदलपुर की कर लेते हैं। नशे की खेप बरामद हुई है। 13 किलो गांजा के साथ ही दो गिरफ्तार हुए हैं। गांजे की अनुमानित कीमत 1,27,000 रुपए बताई गई है। दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ओडिशा से बस में जगदलपुर की ओर ये आरोपी जा रहे थे। बॉर्डर के पास धनपुंजी जांच नाका पर तलाशी के दौरान ये तस्कर पकड़े गए हैं। तो तस्करों के खिलाफ लगातार जो है ये अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग भी कहीं ना कहीं बहुत सख्ती के साथ हो रही है। बॉर्डर पर पकड़ाए गए हैं ये तस्कर। गांजा इनसे बरामद किया गया, लाखों का गांजा बताया जा रहा है जिसकी बरामदगी हुई है, और साथ ही साथ दो तस्कर भी पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। कहाँ कहाँ से तार जुड़े हुए हैं, कहाँ से कहाँ ले जाते थे, कब से ये काम कर रहे थे, सभी पहलुओं पर जाँच पड़ताल हो रही है। अंबिकापुर में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बाइक सवार युवकों ने यातायात पुलिस से विवाद कर लिया। बिना नंबर के बाइक चलाने पर पुलिस ने बाइक रुकवाई थी। बाइक रुकवाने पर पुलिस वालों से तीनों बाइक सवार उलझ पड़े। सोशल मीडिया में वीडियो अब ये वायरल होने लगा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के घड़ी चौक के पास की घटना आपको बता रहे हैं। क्रिसमस के लिए बाजार सज धज कर तैयार हैं। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉस और गिफ्ट से बाजार भरे हुए हैं। घरों में भी लोगों ने रंग बिरंगी लाइटें लगा रखी हैं। बाजार में इस बार नए गिफ्ट्स की भरमार है। भिलाई के बाजार में क्रिसमस की रौनक का हमारे सहयोगी ने जायजा भी लिया। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाजार सज धज कर तैयार हैं और लोगों में उत्साह भी चरम पर है।